कि उनकी हालत जो है वो खतरे से बाहर है। तो इसके बाद जो है वो यकीनन इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि दीगर और अफराद जो के मौजूद थे जहाज के अंदर, उनकी भी यकीनन वो भी जख्मी हालत में ऐसे होंगे और उनकी हालत ऐसी होगी कि वो खतरे से बाहर हो या वो बच सके। अमूमन ऐसा होता है कि जब भी प्लेन क्रैश के वाकयात पेश आते हैं तो फौरी तौर पर ये समझा जाता है कि जितने लोग भी जहाज के अंदर सवार होते हैं वो फौरी तौर पे जहां भाग हो जाते हैं, उसमें लोगों की बचने की उम्मीदें जो होती हैं वो कम होती हैं, मगर अल्लाह रब्बुल पाक की जात ऐसी है कि वो कुछ भी कर सकती है। इस टाइम भी हमारे पास जो इतलात आ रही है उसमें भी ये बताया जा रहा है कि प्लेन क्रैश के अंदर कई लोग ऐसे भी हैं जो कि महफूज बताए जा रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला उसमें हमारे डायरेक्टर प्रोग्रामिंग अंसार नकवी साहब भी यकीनन जरूर होंगे। और अगर हम अंसार नकवी साहब के हवाले से बात करें तो उनका जो सीट नंबर था वो 22C था, वो आज जो है वो कराची आ रहे थे लाहौर से वापस अपनी सहाफती खिदमात को अंजाम दे रहे थे लाहौर में, और आज उनको जो है वो कराची आना था वापस। साथ ही साथ अगर हम बात करें रेस्क्यू टीमों के हवाले से तो दो एंड पर जो है वो ऑपरेशन जारी है। एक ऑपरेशन वो किया जा रहा है जो जहाज के अंदर पैसेंजर सवार थे और जहां पर जहाज गिरा है वहां पर किया जा रहा है, और एक ऑपरेशन वो किया जा रहा है जो जहाज गिरने से जो बिल्डिंगें मुतासर हुई हैं, जो घर मुतासर हुए हैं, जो लोग वहां पे रहने वाले मुतासर हुए हैं, वहां पे जो लोग जख्मी हैं, मलबे के नीचे जो लोग दबे हैं या गाड़ियां जो वहां पर जली हैं उसके खिलाफ ऑपरेशन किया जा रहा है। अब देखना यह है कि रेस्क्यू टीमें क्या हिकमत अमली बनाती हैं और किस मौसर तरीके से जो है ऑपरेशन को सर अंजाम दिया जाता है। हमारी दुआएं है कि ये ऑपरेशन जो है वो बेहतर अंदाज में किया जाए और इसमें जो तमाम तर अफराद जख्मी हुए हैं, तमाम तर अफराद जो जाबाक हुए हैं उनको निकाला जा सके यहाँ से। और अगर हम बात करें जहाज की तफसील के हवाले से तो 24 न्यूज ने तमाम तर जहाज के जो दस्तावेजात हैं वो भी हासिल करे हैं। उसमें जहाज का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, उसमें जहाज का सर्टिफिकेट ऑफ वर्थीनेस है, वो तमाम तर डॉक्यूमेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ 24 न्यूज ने हासिल कर लिया। अगर हम बात करें तो ये जहाज इसका रजिस्ट्रेशन नंबर जो था वो APBLD का नंबर है और इसका सीरियल नंबर जो है वो 2274 है, और ये जहाज फ्रांस के अंदर जो है इसको मैन्युफैक्चर हुआ है। उसके बाद 2014 के अंदर PIA ने इसको खरीदा है और 2014 के अंदर जो है वो इसको इसकी रजिस्ट्रेशन हुई है। उसके अलावा अगर हम बात करें सर्टिफिकेट ऑफ वर्थीनेस के हवाले से तो सर्टिफिकेट ऑफ वर्थीनेस वो सर्टिफिकेट होता है जो कि इस चीज को डिक्लेयर करता है कि ये जहाज आया उड़ने के काबिल है या नहीं। तो इस हवाले से अगर हम बात करें तो इसकी जो वैलिडिटी थी वो 5/11/2020 तक थी, मतलब 5 नवंबर 2020 को। ये हर साल जो है सर्टिफिकेट ऑफ वर्थीनेस 6 नवंबर को जो है वो जारी किया जाता है और ये एक साल का इसका टाइम पीरियड होता है सर्टिफिकेट ऑफ वर्थीनेस का। मुकम्मल तौर पर जहाज का जायजा लिया जाता है जिसके बाद ये सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। तो इसकी जो वैलिडिटी थी वो तकरीबन अभी नवंबर के महीने तक की, 5 तारीख तक इसकी वैलिडिटी थी। 5 तारीख के बाद दोबारा जायजा लिया जाता और उसके बाद जो है वो दोबारा सर्टिफिकेट ऑफ वर्थीनेस दिया जाता। साथ ही साथ अगर हम ये बात करें कि ये जो जाय हुआ है जहाँ पे ये हादसा पेश आया है ये सिर्फ एयरपोर्ट से और रनवे से 400 से 500 मीटर का फासला है जहाँ पे ये हादसा पेश आया है। तो मुख्तलिफ बातें चल रही हैं कि ये भी कहा जा रहा है जो हमारे पास ऑडियो आई आई हमने देखा जो पायलट की आखिरी गुफ्तगू है कि इंजन में खराबी के बाद जो है ये तमाम तर हादसा पेश आया। अब इससे सिविल एविएशन PIA और जो दीगर एविएशन के मुतालिका इदारे हैं यकीनन इन्वेस्टिगेशन इस पर शुरू कर दी गई है और ये इतराफ में लोग यहाँ पर रिहाइश पजीर हैं। इस हवाले से भी सवालिया निशान उठता है सिविल एविएशन के ऊपर कि क्या कानून साजी हुई हुई है इस हवाले से कि एयरपोर्ट के इतराफ में किस तरीके से कंस्ट्रक्शन की जा सकती है और किस तरीके से कंस्ट्रक्शन नहीं की जा सकती, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं जो प्लेन क्रैश हुआ है ये गिरते वक्त ये घरों की छतों से टकराया है जिसकी वजह से छतों का मलबा जो है वो सड़कों में गिरा है, गलियों में गिरा है। उसके बाद जो है उसकी वजह से गाड़ियों को भी नुकसान हुआ है, गली मोहल्ले से जो लोग गुजर रहे थे उनको भी जो है वो भी जख्मी हुए हैं। अब रेस्क्यू का अमल जो है वो जैसे जैसे दिन ढलता जा रहा है अब हम देख रहे हैं कि मजीद रेस्क्यू की टीमें भी आती जा रही हैं, ऑपरेशन को मजीद बेहतर अंदाज में जो है वो सर अंजाम दे रहे हैं। रेंजर्स भी है, पुलिस भी है, साथ ही साथ बार बार इलाका मकीनों से इस बात
की अपील की जा रही है कि वो लोगों से ताबुन करें, यहाँ पे जो रेस्क्यू टीमें काम कर रही हैं उनके साथ ताबुन करें, जो फायर ब्रिगेड की टीमें काम कर रही थी उनके साथ ताबुन करें और यहाँ से रश जो है उसको कम किया जा सके। अब देखना यह है कि इसमें तकरीबन जो हमारे पास लिस्ट आई है उसमें 89 पैसेंजर्स थे जो ऑन बोर्ड थे जहाज में, और उसके अलावा जो था वो जहाज का अपना अमला जो होता है वो मौजूद था। साथ ही साथ एक और हम आपको दिलचस्प बात बताएं कि ये लॉकडाउन की वजह से और कोविड-19 की वजह से जो पीआईए की परवाजें चल रही हैं वो उसमें तमाम तरफ सीटें जो है वो भरी भी नहीं है, वरना अमूमन इस जहाज के अंदर जो पैसेंजर्स होते हैं पीआईए के जहाज A320 के अंदर, ये बड़ा जहाज होता है, एयरबस है ये, इसके अंदर तकरीबन 200 से ज्यादा पैसेंजर्स होते हैं जो नॉर्मल बुनियादों पर सफर करते हैं, लेकिन कोविड-19 की वजह से जो पीआईए और सिविल एविएशन की जो एसओपीज बनी हुई है उसकी वजह से इसमें कम पैसेंजर्स जो थे वो सफर कर रहे थे, जो भी कोविड-19 की एसओपी के तहत पीआईए और सिविल एविएशन की एसओपीज है उसको फॉलो करते हुए जो है वो पैसेंजर्स की तादाद कम थी, वरना अगर ये कोविड-19 की वजह से एसओपीज नहीं होती तो यकीनन इसके अंदर जो है वो पैसेंजर्स की तादाद और जख्मियों की और जहां भाग होने वालों की तादाद भी बढ़ सकती थी। साथ ही साथ अब ये भी इतलात आ रही है कि इसमें कई लोग जो है वो महफूज भी बताए जा रहे हैं और इंशाल्लाह अल्लाह ताला जो है वो तमाम तर लोगों पर यकीनन रहम करेगा। और इसमें अगर हम बात करें हमारे सीनियर सहाफी डायरेक्टर प्रोग्रामिंग 24 न्यूज अंसार नकवी साहब के हवाले से भी जो है वो हमें इतलात है कि वो भी सैयारे के अंदर मौजूद थे, उनकी जब हमने सीट नंबर हासिल किया है तो 22C उनका सीट नंबर था, अभी तक उनके हवाले से किसी किस्म की जो है वो इतलात हमारे सामने नहीं आई, ना ही उनको अभी तक जख्मी हालत में जो है वो मुंतकिल किया गया हो या उनकी शनाख्त हुई हो या अभी तक वो मिले हो। तो तमाम तर जो नाजरीन है 24 न्यूज के उनसे भी ये अपील है कि वो अंसार नकवी साहब के हवाले से वो दुआ करें कि फौरी तौर पे जो है वो उनको भी मुंतकिल किया जा सके, वो भी बेहतर अंदाज में जो है वो अस्पताल मुंतकिल हो और जख्मी हालत में अस्पताल चले जाए। लेकिन जो है वो देखना ये है कि किस तरीके से उस ऑपरेशन को पेश किया जाता है, क्योंकि जहाज क्रैश हुआ है उसके बाद जो जहाज का जो मलबा है वो मुख्तलिफ गलियों में गिर गया है, जहाज हिस्सों में बिखर जाता है, तो उसकी वजह से लोगों को भी नुकसान पहुंचा है। बाजायर जो हमें दिखाई दे रहा है क्योंकि अभी हमने देखा जो जफर साहब है जो कि प्रेसिडेंट है बैंक ऑफ पंजाब के, उनको जख्मी हालत में मुंतकिल किया गया और ये भी बताया जा रहा है हमारे जराए जो अस्पताल के हैं कि उनकी हालत जो है वो खतरे से बाहर है। तो यकीनन ऑन बोर्ड जो लोग हैं उसमें और भी लोग होंगे जो कि खतरे से बाहर होंगे और जख्मी हालत में जो है वो अस्पताल उनको मुंतकिल किया गया होगा। आप टीवी स्क्रीन के ऊपर भी देख रहे होंगे जफर मसूद साहब की अस्पताल की तस्वीर है कि वो अस्पताल में लेटे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अब देखना ये है कि किस तरीके से मजीद अस्पतालों के अंदर इकदाम किए जाते हैं, और हमने बार बार अपने नाजरीन को बताया जहाज के हवाले से हम अपडेट देते रहे, जहाज की रजिस्ट्रेशन के हवाले से हमने अपडेट दी कि ये जहाज जो है वो 2014 के अंदर रजिस्ट्रेशन इसकी करवाई गई, फ्रांस से जहाज को जो है वो मैन्युफैक्चर हुआ है फ्रांस के अंदर और 2014 के अंदर पीआईए ने इसको खरीदा और इसका जो सर्टिफिकेट ऑफ वर्थीनेस था जो कि इस बात का तयन करता है कि ये जहाज उड़ने के काबिल है या नहीं उसकी भी वैलिडिटी जो है वो नवंबर 2020 तक मौजूद थी। लेकिन एक जो ये शुबा जाहिर किया जा रहा है कि लॉकडाउन की वजह से और कोविड-19 की वजह से परवाजें मनसूख हुई हुई थी और परवाजें बंद की हुई थी, इसके बाद जो है वो दोबारा एक दफा हमने देखा कि हमसे कुछ दिन पहले जो है वो डोमेस्टिक फ्लाइट का सिलसिला शुरू हुआ, क्या उससे पहले इंस्पेक्शन किया गया तमाम तर जहाजों का, उनको देखा गया टेक्निकल तौर पे नॉन टेक्निकल तौर पे, उनको उनके इंजन में किसी किसी की कोई खराबी तो इसके अंदर नहीं है, ये तमाम तर चीजें एक सवालिया निशान है सिविल एविएशन की कारकर्दगी के ऊपर, पीआईए की कारकर्दगी के ऊपर। बिल्कुल हसन अब्बास, और अभी इस वक्त जो सबसे अहम पॉइंट है वो ये है कि फौरी तौर पर रेस्क्यू ऑपरेशन जल्द से जल्द तेज हो, मौसर हो, ताकि जितनी जल्दी हो सके मलबे तले से जो लोग दबे हैं उनको निकाला जा सके, वो जिंदा हैं या वो नहीं इस दुनिया में रहे, हमारी तो दुआ है जैसा कि आपने अभी अपील की, हमने भी हम भी अपील कर रहे हैं, अल्लाह ताला से दुआ भी कर रहे हैं कि खुदा करे कि जो भी लोग यहाँ पर हों
वो जिंदा सलामत हों और अपने प्यारों के साथ ईद करें, चूँकि यकीनन एक अफसोसनाक वाकया है। तो अभी जो सबसे अहम बात यह है कि रेस्क्यू ऑपरेशन कितना तेज़ है। तो अभी आप चूँकि मौके पर मौजूद हैं, आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर? जिस तरह रेस्क्यू ऑपरेशन होना चाहिए उस तरह रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा है, मलबे तले से लोगों को निकाला जा रहा है, मशीनरी जो है इस वक्त हमारे पास इतनी है कि हम वाज़े तौर पर वर्किंग कर सकें? जी देखिए, इस तरह के जब हालात पेश आते हैं, इस तरह का कोई हादसा होता है, तो इसमें रेस्क्यू ऑपरेशन करना कोई आसान काम नहीं होता, बड़ा मुश्किल काम होता है और फौरी तौर पे जो है इस पे एसओपी बनानी पड़ती है, फौरी तौर इलाके का जायजा लेना पड़ता है, इलाके में किस तरह ऑपरेशन किया जा सकता है उस चीज का जायजा लेना पड़ता है। और जहां तक हम बात कर रहे हैं, इलाके की मॉडल कॉलोनी का इलाका है और डिस्ट्रिक्ट मलीर कहलाता है ये, और इसमें अगर हम इतराफ की बात करें, ये रिहायशी इलाका है, लोग यहाँ पे रहते हैं, लोगों के घर बने हुए 120 गज 200 गज के मकानात हैं, ग्राउंड प्लस 2 ग्राउंड प्लस 3 मकानात हैं यहाँ पर। तो इन हालात के अंदर अगर हम बात करें, 2 से 3 गलियां हैं बाकायदा तौर पे जो कि इस जहाज के हादसे से मुतासर हुई है। तो यकीनन ऑपरेशन करने में दुश्वारी का सामना भी है, मुश्किलात का सामना भी है, एक जानब क्योंकि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी काम कर रही हैं, तो दूसरी जानब हम देख रहे हैं जो रेस्क्यू एहलकार हैं वो भी काम कर रहे हैं, ईवी के जो एहलकार हैं वो भी काम कर रहे हैं, फिर लॉ एनफोर्समेंट वो भी काम कर रही है काम करना। और जहां पर पतली पतली गलियां हो, इस इलाके में सड़कें भी जो है वो पक्की नहीं बनी हुई जहां पर ये जहाज गिरा है, तो यकीनन जो अंदर सामना होता है उसके अलावा जो हैवी मशीनरी है वो मशीनरी को इलाकों के अंदर एंटर करना काम हो जाता है, क्योंकि लोगों की बड़ी तादाद होती है, उसके बाद पता नहीं होता, फौरी तौर पे हैवी मशीनरी का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो ये खर्चा हो रहा है, ये मलबे के नीचे लोग तो नहीं है, तो ये मलबा गिरने से मजीद जो है वो लोगों को नुकसान ना पहुंचे, तो ये बड़ा क्रिटिकल किस्म की सिचुएशन होती है और इसमें बड़े चीजों को देखते हुए ऑपरेशन का आगाज किया जाता है। और इस टाइम रेस्क्यू की टीमें काम कर रही हैं, फिर तेजी से काम कर रही हैं, हमने देखा बड़ी तेजी से लोगों को अस्पताल मुंतकिल करने का सिलसिला भी शुरू हुआ, लेकिन ये बड़ा टेक्निकल ऑपरेशन होता है इसमें रेस्क्यू टीमों के हवाले से, क्योंकि जब मलबा गिरता है, कहीं छतें गिरती हैं, दीवारें गिरती हैं, अच्छा होता है कि हम दीवारों के नीचे, मलबे के नीचे, या अगर जहाज गिरा है तो जहाज के जो पार्ट्स हैं उसके नीचे इंसानों की मौजूदगी ना हो, और अगर नीचे इंसानों की मौजूदगी है तो जाहिर सी बात है उसमें हैवी मशीनरी का इस्तेमाल फौरी तौर पर नहीं किया जा सकता। अर्बन सर्च और इस तरह के हमारे पास डिपार्टमेंट है, अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू डिपार्टमेंट जो कि जैक्स लगाता है मलबे के नीचे, जो हैवी पार्ट्स होते हैं उनके नीचे पहले मलबे को जैक से उठाया जाता है, देखा जाता है कि मलबे तले कोई लोग तो नहीं दबे हुए, तो उसके बाद जो है वो फिर हैवी मशीनरी का इस्तेमाल किया जाता है, पहले मुकम्मल तौर पर इस चीज का जायजा लिया जाता है कि मलबे के नीचे लोग तो नहीं है, आया हैवी मशीनरी का इस्तेमाल किया जाए या ना किया जाए। साथ ही साथ रेस्क्यू का ऑपरेशन बड़े तेजी से जारी है, अगर हम बात करें तो शहर भर से फायर ब्रिगेड के टेंडर्स यहाँ पर आ गए थे, वाटर टैंकर्स यहाँ पर आ गए थे कि फायर ब्रिगेड को फैसिलिटेट कर सके, उसके अलावा जो हमारे एम्बुलेंसेज हैं, जो हमारे रेस्क्यू करने वाले हजरात हैं वो यहाँ पर पहुंच गए थे, फौरी तौर पे जो बॉडीज थे उनको निकालने की कोशिशें की गई, जो जख्मी अफराद थे उनको अस्पताल मुंतकल करने की कोशिशें की गई। अगर हम बात करें अस्पतालों के हवाले से, तो जिना सिविल अस्पताल, अब्बासी शहीद अस्पताल, इन तमाम तरह अस्पतालों का जो है वो एमरजेंसी कर दी गई थी, उसके अलावा हमारे जो प्राइवेट